गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, इसमें हमें शून्यांकों की जोड़ और गुणा दे रखी है और हमें द्विघातीय बहुपद बनाना है। बिल्कुल आसान है, पूरा का पूरा प्रश्न एक बार में ही हम कर लेंगे, लेकिन पहले इसकी टेक्निक को समझें। हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण इस रूप में होता है कि ax2 + bx + c = 0, जहाँ पे दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा दोनों शून्यांकों का जोड़ हमेशा नेगेटिव बी, मतलब जो x का गुणांक होता है उसका नेगेटिव, बटे ए x की शक्ति 2 का गुणांक के रूप में, और उनकी गुणा शून्यांकों की गुणा अचर पद बटे x की शक्ति 2 की गुणांक के रूप में हम लिखते हैं। अब यहां एक चीज समझे कि वहां दोनों के बटे में सेम संख्या है, ए है, x की शक्ति 2 का गुणांक है, तो हमें यहां शून्यांकों की जो जोड़ है और गुणा है उनका हर बराबर करना है, तो इसको लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हर कैसे बराबर करेंगे, इसका हर 4 है, इसका हर 4 नहीं है, तो बनाने के लिए मैं नीचे 1 तो उसका हर होगा ही, तो बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे इसको गुणा कर लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुणा किया 4 से ऊपर नीचे, तो मेरे पास ये अल्फा बीटा क्या हो गया, नेगेटिव 4/4। अब इसकी तरफ ध्यान देना और इसकी तरफ ध्यान देना, और हमने जो वहां लेकर क्या है अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव बी बटे ए और अल्फा बीटा सी बटे ए, उसको देखना। और हमारे पास समीकरण होता है ए एक्स की शक्ति 2 + bx + c = 0, इसमें उसका मान रखते रहना, ठीक है ना। अब रखेंगे, रखो, हमारे पास सबसे पहले ए, ए कितना है, नीचे वाला ए होता है 4, तो ए की जगह 4 एक्स की शक्ति 2, ठीक है ना। उसके बाद बी, बी को ध्यान से देखें, बी वहां नेगेटिव बी आएगा, अर्थात ये नेगेटिव है, यहां पे जो बी का मान यहां पे 1 है, ये नेगेटिव बन के यहां पे आएगा, जोड़ का है तो घटा का 1x, ए को एक्स के साथ गुणा करेंगे वो एक्स ही आएगा हमारे पास, एक को एक्स के साथ गुणा करेंगे एक्स आएगा। और सी, सी का मान हम यहां से लेंगे, जो मान इनकी शून्यांकों की गुणा का है ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, सिर्फ आंसर्स, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है। बी की स्थिति में यदि यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, वो ध्यान रखना, क्योंकि वहां नेगेटिव दे रखा है बी, ठीक है। तो यहां पे -4 = 0, ये आपके पास एक द्विघातीय बहुपद तैयार है। अब इसको यहां पे भी देख लेते हैं, यहां पे देखिए कि इसके नीचे क्या है, एक है, अब यहां तो हर है, मैं अल्फा प्लस बीटा को ले रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा वर्गमूल 2 है अकेला, वर्गमूल 2/1, लेकिन मुझे हर क्या बनाना है, 3 बनाना है, 3 को नीचे और 3 को ऊपर गुणा करना है, तो मेरे पास ये हो गया 3/2 और नीचे क्या बच गया 3 = 3, ठीक है। अब 3 हर बराबर आ गया है, देखो अब मैं लिख लूंगा इसको ax2 + bx + c = 0, यहां से ax2, a नीचे वाली संख्या जो दोनों बराबर होनी चाहिए क्या है 3, x की शक्ति 2। अब b, ये b है, ये प्लस वाला ना अल्फा प्लस बीटा वाला वो b होता है, अब ये पॉजिटिव होता क्या आएगा, नेगेटिव कितना 3√2x + c कितना है, c तो बिल्कुल ऐसे कैसे टूटना 1 = 0 मेरे पास आए, ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। अब अगला कर लेते हैं, इनका हर वैसे ही बराबर है, जिनके हर में हमें कुछ नहीं दे रखा, हर क्या होता है 1, अर्थात ax2 + bx + c = 0 को लिखूंगा, तो a मेरे पास 1 है, और 1 को किसी से भी गुणा करें आंसर वही संख्या आता है, ये x की शक्ति 2 ऐसे कैसे आ गया। अब b ये है, b क्या है 0, यदि b 0 हो गया तो पॉजिटिव या नेगेटिव ले 0 को, तो गुणा x और जमा c कितना है 5, ऐसे कैसे लेंगे, तो अब ये तो हमारे पास 0 हो गया, क्या बच गया x की शक्ति 2 = 5/0, ठीक है, बिल्कुल आसान। अब यहां से देख लेते हैं, इनके बटे में कुछ नहीं है तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब ax2 + bx + c = 0 उसी में लेंगे, a हमारे पास 1 है तो सीधा x की शक्ति 2 आ गया। अब b, b a है, एक है लेकिन वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, 1 को x के साथ गुणा करेंगे फिर x आ गया, और c कितना है ऐसे कैसे 1/0 हमारे पास आ गया, ठीक है। अगले वाले को और देख लेते हैं, क्या आ गया ax2 + bx + c = 0, अब a की जगह देखो हर बराबर है, इनके क्या है 4, तो 4 हो गया x की शक्ति 2। अब b, b की जगह क्या है 1 है लेकिन वो नेगेटिव है, तो यहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, और एक की x से गुणा करेंगे x,
और सी कितना है जोड़ का एक बराबर शून्य। बिल्कुल आसान है जब आप इसको देखेंगे। अगला और फटाफट कर लेते हैं, इनका हर कितना है, एक है, जिसका नहीं है तो उसका एक हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब ए कितना है, एक है, एक को भी सी से गुणा करेंगे, एक्स की शक्ति दो आ गया। अब बी यहां पर चार है, चार वहां पॉजिटिव आते हैं, क्या हो जाएगा नेगेटिव चार एक्स, और सी कितना है जोड़ का एक है बराबर जीरो। तो बड़ी आसानी से आप ये बहुपद द्विघात या बहुपद बना सकते हैं। आशा है कि ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।